गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आज हम जो करेंगे उसका नाम है न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट। न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट किसके ऊपर? वेंटोफ फैक्टर के ऊपर। तो बच्चों जी, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि वेंटोफ फैक्टर के कौन कौन से फॉर्मूला आपको कब यूज करने हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल को करते वक्त हमारे माइंड में ये ध्यान रहना चाहिए कि कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो पहले ये वाला जो पोर्शन मैंने जो लिखा है वो हम डिस्कस करने वाले। पहला लिखा हुआ है व्हेन देयर इज डिसोसिएशन और एसोसिएशन। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि जब डिसोसिएशन एसोसिएशन हो वहां पर वेंटोफ फैक्टर की वैल्यू नॉट इक्वल टू वन होती है, मतलब उसकी कोई वैल्यू होती है। फॉर डिसोसिएशन द वैल्यू इज वन प्लस एन माइनस वन इंटू अल्फा, एंड फॉर एसोसिएशन हमने ये भी कैलकुलेट करा था कि क्या वैल्यूज होती है। अब मैंने कहा कि जब हम डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रहा होगा सोल्यूट के अंदर, वो हम तय करेंगे इन फॉर्मूलाज से। तो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट वन इज इक्वल टू आई इंटू काई टू, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू स्मॉल एम, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू स्मॉल एम, पाई इज इक्वल टू आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी। मतलब क्या करना है आपने कि जितने भी फॉर्मूले हमने पहले पढ़े थे कॉलिजेटिव प्रॉपर्टी के, उन सबको आई से मल्टीप्लाई कर देना और आपके पास करेक्ट कॉलिजेटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी। फिर उसके बाद आपने याद रखना है कि अगर कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, मतलब वो डिसोसिएट और एसोसिएट नहीं हो रहा, तो आपने ये मेरी बात ये याद रखनी है, वहां पर वेंटोफ फैक्टर की वैल्यू वन रख दोगे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जहां पर मेरे को ग्लूकोज, ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, सॉल्यूशन की जगह सॉल्वेंट आएगा, तो ये याद रखना है आपने, जहां पर भी ग्लूकोज सुक्रोज फ्रक्टोज पॉलीमर विटामिन सी यूरिया ये नॉन स्पेसिफाइड सोल्यूट दे रखा है, मींस ऐसा दे रखा है कि अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, या ये दे रखा है ए ऑन मिक्सिंग विद सॉल्वेंट, बी ऑन मिक्सिंग विद सॉल्वेंट, ए बी टू ऑन मिक्सिंग विद सॉल्वेंट, मतलब जिसमें सॉल्वेंट देर स्पेसिफाई किया हुआ है बट सॉल्यूट स्पेसिफाई नहीं किया हुआ। ऐसे ऐसे केस में आप ये कंसिडर करोगे इट इज अ नॉन स्पेसिफाइड सॉल्यूट, और उस केस में आप वेंटोफ फैक्टर की वैल्यू सीधे रख दोगे वन। तो जहां पर डिसोसिएशन एसोसिएशन होगा वहां पर वेंटोफ फैक्टर की वैल्यू नॉट इक्वल टू वन रख देना, और जहां पर डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं होगा, मतलब सॉल्वेंट सॉल्यूट आपने डाला वो एज इट इज ही रहा सॉल्वेंट के अंदर, तब आप उस केस में वेंटोफ फैक्टर की जो वैल्यू है वो वन रख देना। सिर्फ आपको इतना ही काम करना है। यही सब यूज करते हुए हमें अब डिस्कस करने हैं तीन न्यूमेरिकल। ये तीन न्यूमेरिकल मैंने लिखे हुए हैं, छोटा सा और पॉइंट है वो भी डिस्कस करते हैं। चलो, हमें ये पता चल गया कि वेंटोफ फैक्टर लगेगा, मतलब वेंटोफ फैक्टर नॉट इक्वल टू वन है, क्योंकि हमें ये पता चल गया कि डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रहा है। तो हमें माइंड में ये कैसे क्लियर होगा कि कहां पर एक्चुअल में डिसोसिएशन होना है और कहां पर एक्चुअल में एसोसिएशन होना है, क्योंकि वेंटोफ फैक्टर की वैल्यू जो है वो डिसोसिएशन और एसोसिएशन के लिए दोनों के लिए अलग थी। इसी केस में हम करेंगे, यहां से पहचानेंगे हम इसे। कह रहा है कि डिसोसिएशन जब दे रखा है तो उसे कैसे पहचानना है? जहां पर भी पोलर सॉल्वेंट आ जाए लाइक वाटर, आपने पढ़ा होगा वाटर का अगर हम केस देखें तो वाटर होता है H, यहां पर होता है O, यहां पर होता है H, यहां पर होता है पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली पॉजिटिव। तो जहां पर भी पोलर सॉल्वेंट, जिनमें पोल्स बन जाए, जहां पर भी पोलर सॉल्वेंट आ जाए वहां पर आप केस रख लोगे डिसोसिएशन का, और जहां पर भी नॉन पोलर सॉल्वेंट आपके पास आ जाए लाइक C6H6 यानी बेंजीन या CH2, ऐसे नॉन पोलर सॉल्वेंट आ जाते हैं तो आप वहां पर केस फिल करोगे एसोसिएशन का, ये आपको याद रखना है। और जहां पर भी डिसोसिएशन या एसोसिएशन होगा वहां पर आप वेंटोफ फैक्टर की वैल्यू नॉट इक्वल टू वन लगाओगे, मतलब डिपेंड करेगा कि कौन सी वैल्यू आप यूज करने वाले हो, बट आपको वेंटोफ फैक्टर की वैल्यू रखनी पड़ेगी और इन चार में से कोई एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। आपको ये याद रखना है जहां पर भी वेंटोफ फैक्टर की वैल्यू वन दे रखे, यानी इनमें से कोई भी सॉल्यूट आपको लिखा आ गया वहां पर आप वेंटोफ फैक्टर की वैल्यू वन लिख दोगे, ठीक है? नॉन, मतलब वो नॉन डिसोसिएटिव सॉल्यूट होना चाहिए, नॉन एसोसिएटिव सॉल्यूट होना चाहिए। यहां तक मैंने आपको बेसिक्स समझाए। चलो क्वेश्चंस पढ़ते हैं और क्वेश्चन में सीखेंगे ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जहां पर हम वेंटोफ फैक्टर की वैल्यू रखेंगे नॉट इक्वल टू वन, और ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जहां पर वेंटोफ फैक्टर की वैल्यू रखेंगे इक्वल टू वन। तो तीन क्वेश्चन मैंने यहां पर आपके लिए लिख दिए हैं। आप क्या करोगे, इन तीन क्वेश्चंस का और इन पूरे नोट्स का आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है बच्चा जी, वीडियो का स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया होगा, अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को पढ़ेंगे।
पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कहता है कि 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, तो आपको ये याद रखना है जहां पर सोल्यूट है, सोल्यूट वो आपको वैंटोफ फैक्टर की वैल्यू बता देगा कि इक्वल टू 1 है या नॉट इक्वल टू 1 है, सोल्यूट के केस में आपको पता चल जाएगा। और आपको ये याद रखना है सॉल्वेंट आपको ये बताएगा कि अगर वैंटोफ फैक्टर लग रहा है, इफ वैंटोफ फैक्टर इज यूज्ड, इफ वैंटोफ फैक्टर इज नॉट इक्वल टू 1, तब दो केसेस बनते हैं, एक एसोसिएशन का और एक डिसोसिएशन का, और ये एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिपेंड करेगा सॉल्वेंट के ऊपर, जो कि मैंने यहां से क्लियर किया था कि अगर पोलर सॉल्वेंट होगा तो डिसोसिएशन का केस कंसिडर करोगे, नॉन पोलर में आप एसोसिएशन का केस कंसिडर करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला होता है C2H6O2, एंड इट इज नाइदर गोइंग टू बी डिसोसिएटेड और एसोसिएटेड। ये कार्बोहाइड्रेट्स की फैमिली का होता है, तो कार्बोहाइड्रेट सिंपली वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं, ये डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होते हैं, मतलब ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो गया। और आपने ये पढ़ा कि जहां पर भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा वहां पर आई की वैल्यू रख दोगे 1, तो मैं इस वाले क्वेश्चन में वैंटोफ फैक्टर की वैल्यू जो है वो 1 रख दूंगा, मतलब वैंटोफ फैक्टर यहां पर यूज नहीं करूंगा इसको सॉल्व करते वक्त। ये पहला क्वेश्चन था। अगर आपको कोई भी डाउट अभी तक भी आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, दो क्वेश्चंस में, इन दोनों क्वेश्चंस में कि वैंटोफ फैक्टर लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है। आपको सिर्फ इतना देखना है कि नॉट इक्वल टू 1 वैल्यू है या इक्वल टू 1 वैल्यू है, और ये सिर्फ किसे देखेंगे, सॉल्यूट के हेल्प से। तो यहां पर कह रखा है 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, अब बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला आपने पढ़ा है C6H5COH, ये है। अब आप सिंपली अगर इसे देखो तो आपने पढ़ा होगा ये है RCOOH, ठीक है। तो ये जो RCOH होते हैं तो आपने ये पढ़ा भी होगा, RCO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, यानी जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिलेंगे वो या तो डिसोसिएट करेंगे या फिर यही कार्बोक्सिलिक एसिड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपस में डबल भी हो सकते हैं, यानी एसोसिएट भी हो सकते हैं। तो इन सिंपल केस आ गया कि यहां पर डिसोसिएशन एसोसिएशन हो सकता है जब मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है, तो यहां पर I इज नॉट इक्वल टू 1। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आपको सिंपल इतना याद रखना है जहां पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वहां पर आपका वैंटोफ फैक्टर आना ही आना है, डिपेंड करेगा कि डिसोसिएशन है फिर एसोसिएशन है, वो बाद में देखेंगे। अगला केस, कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वॉटर When 10 ग्राम ऑफ दिस, अगेन देखना COH लिखा हुआ, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी इस केस में भी डिसोसिएशन या एसोसिएशन लगेगा, यानी यहां पर क्या होगा, I is not equal to 1। तो इन दोनों ही केस में वैंटोफ फैक्टर का यूज करेंगे और आप ये फॉर्मूलाज यूज करते वक्त आंसर कैलकुलेट करेंगे। चलो अब इस न्यूमेरिकल को, जो दो न्यूमेरिकल है, तीसरा मैंने मिटा दिया था, वो आप खुद कर लेना, इजी सा न्यूमेरिकल है। अभी जो दो न्यूमेरिकल है इन्हें सॉल्व करके देख लेते हैं कि ये दो न्यूमेरिकल आपसे क्या कह रहे हैं। पहला, मिरर रूल आपको पता ही होगा, न्यूमेरिकल पढ़ते वक्त लिखते रहेंगे, न्यूमेरिकल आपने लिख लिया, गिवन डेटा मिल गया, तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड इज डिसॉल्वड इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन। कहता है, एक डायग्राम बना लो जल्दी से। कहता है 2 ग्राम बेंजोइक एसिड C6H5COH को कहते हैं इज बीइंग डिसॉल्वड इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन, ये लिखा हुआ है जी, ठीक है। अब वो कहता है इससे क्या 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 गिवन डेटा मिला। पहली चीज गिवन मिली है W2, कितना, 2 ग्राम सोल्यूट का मास। दूसरा M2, किसका मोलर मास, सोल्यूट का मोलर मास, और आप इस यहां से कैलकुलेट कर लेना, ये आ जाएगा 122 ग्राम पर मोल, ये आ जाएगा। फिर 25 ग्राम ऑफ बेंजीन यानी सॉल्वेंट का मास मिल गया, यानी W1 मिल गया, कितना मिल गया, 25 ग्राम, ये मिल गया। और आगे चलते हैं थोड़ा सा। कहता है मोल द शोज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू 1.62 केल्विन, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम डेल्टा टीएफ बोलते हैं, 1.62 केल्विन दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट याद करो, आपको बताया था कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट को केएफ बोलते हैं, केएफ की वैल्यू दे रखी है 4.9 केल्विन केजी पर मोल, ये दे रखा है। अब कहता है व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एन एसिड, मतलब
कितना परसेंट वो एड हो एसोसिएट होगा, यहां पर लिखा हुआ है एसोसिएशन का केस है, तो वो पूछ रहा है कि कितना परसेंट एसोसिएशन होगा इफ इट फॉर्म्स डाइमर। याद करो डाइमर के लिए एन की वैल्यू क्या हो रही थी, टू। डाइमर मतलब दो जुड़ गए, यानी कि एक केस करते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं और फिर इसको सॉल्व करेंगे। कहता है कि C6H5COH को जब इसने यहां डाला है बेंजीन में, तो इसके दो मोल्स आपस में जुड़ गए और ये डाइमर बना रहे हैं C6H5COH होल ट्वाइस। इट इज एज सिंपल एज टू अंडरस्टैंड 2A कुल मिलके A का ट्वाइस बना रहे हैं, ठीक है, यानी डाइमर बन रहा है। यानी यहां पर N की वैल्यू यहां से देख लिया आपने कि N की वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। अब आपको सिंपल कॉन्सेप्ट पता है, वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन। परसेंटेज एसोसिएशन मींस अल्फा ही निकालना है हमें, सिंपली अल्फा कैलकुलेट करके चलना है कि अल्फा कितना आएगा। तो करते हैं, अल्फा किस पर डिपेंड करता है, आई पर, और आई किस पर डिपेंड करेगा, डेल्टा टीएफ पर। कैसे डिपेंड करेगा बताता हूं। देखो मैंने आपको बताया डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू स्मॉल एम, ये रहा ना स्मॉल एम, और स्मॉल एम जो वैल्यू है वो है डब्ल्यू टू इंटू 1000 अपॉन एम टू इंटू डब्ल्यू वन, ये वैल्यू, ठीक है। कुछ नहीं कर रहे हैं यहां पर, वैल्यूज पुट करनी है और यहां से आई की वैल्यू निकाल देनी। कैसे निकालोगे, देखो डेल्टा टी एफ की वैल्यू ये गिवन है 1.62, के एफ की वैल्यू 4.9 गिवन है, डब्ल्यू टू 2 ग्राम गिवन है, एम टू 122 ग्राम पर मोल आपने निकाल लिया, डब्ल्यू 125 ग्राम गिवन है। ये वैल्यूज आप रख दोगे यहां पे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आई, यहां से निकाल लो। यू नो दैट दिस इज द केस ऑफ एसोसिएशन। तो एसोसिएशन के लिए लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि वैंटोफ फैक्टर यानी आई इज इक्वल टू होगा 1 प्लस, क्या बताया था मैंने आपको, याद करो, 1 by n - 1 इंटू अल्फा। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ, तो कितना आएगा जी, 1 plus 1 by 2 - 1 इंटू अल्फा की वैल्यू ही निकालनी है आपने कि अल्फा कितना आएगा, ठीक है, और आई का वैल्यू आप यहां से निकाल के पुट कर दोगे। सो यू विल सी कि यहां से सॉल्व करने के बाद अल्फा की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगा 0.992, ये आ जाएगा। लेकिन अगर मैं ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ू, उसने बोला है कैलकुलेट द परसेंटेज एसोसिएशन, यानी मुझे परसेंटेज निकालना था, और परसेंटेज का मतलब 100 से जो अल्फा आया उसे मल्टीप्लाई कर दो, यानी 99.2%, ठीक है। इतना सिंपल ये क्वेश्चन है, इतना सिंपल इसको आंसर करना था। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंटली पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो यहां तक आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ये भी आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट लग रहा है इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम का छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो सीख लेते हैं। आपने ये पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम में कि अल्फा और के ए का क्या रिलेशन होता है, अल्फा इज इक्वल टू होता है विद इन द रूट के ए बाई सी, ये आपने पढ़ा होगा। सी एक टाइप की कॉन्सेंट्रेशन है, और हमने 11th में स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको मोलैलिटी में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा विद इन द रूट के बाय एम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं इसको। कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी निकालना क्या है मुझे, डेल्टा टी एफ, में ही साइड में लिख ले रहा हूं कि डेल्टा टी एफ निकालना है, कैलकुलेट करना है ऑफ वॉटर वेन 10 ग्राम, यानी 10 ग्राम ऑफ दिस इज एडेड टू 250 ग्राम ऑफ वॉटर। यानी इस स्टेटमेंट से मुझे W2 पता चल गया 10 ग्राम, मुझे M2 पता चल गया। आई होप आप M2 कैलकुलेट कर लोगे, क्योंकि यहां पर दे रखा है फॉर्मूला और यहां से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। इज एडेड टू 250 ग्राम ऑफ वाटर, यानी W1 आ गया आपके पास 250 ग्राम, ठीक है। वो कहता है KF की वैल्यू भी दे रखी है, द वैल्यू ऑफ KF इज 1.86 केल्विन केजी पर मोल, ठीक है। और उसने पूछा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टी एफ, डेल्टा टी एफ। ऑल्सो इट इज गिवन दैट के ए की वैल्यू है 1.4 × 10⁻³, ठीक है। अब हमें सबसे पहले देखना है कि वैंटोफ फैक्टर यूज होगा कि नहीं होगा। तो मैंने शुरू में ही बता दिया था, क्योंकि एक एसिड है तो ये या तो ये डिसोसिएट होगा या एसोसिएट होगा, और इस केस में ये
वेंटो फैक्टर की वैल्यू जो हम रखते हैं वो नॉट इक्वल टू वन रख देते हैं, ये हमने आपको पहले बता दिया था। यानी यहां पर जो हम वेंटो फैक्टर का फॉर्मूला यूज करेंगे डेल्टा टी एफ निकालने के लिए वो होगा आई इंटू के एफ इंटू स्मॉल एन। ठीक है, आप क्या करोगे फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी यहां से आप स्मॉल एम की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालेंगे, डब्ल्यू टू इंटू थाउजेंड अपॉन एम टू इंटू डब्ल्यू वन। देखो ये चीजें गिवन है, डब्ल्यू टू है, एम टू है, डब्ल्यू वन है। एम टू आप निकाल लोगे, कैलकुलेट कर लोगे, तो यहां से आप ये सारी वैल्यू पुट करके स्मॉल एम की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, तो यहां से हमें एक चीज पता चल गई स्मॉल एम। अब मुझे के एफ की वैल्यू भी पता चल गई क्योंकि गिवन है, लेकिन किसकी वैल्यू नहीं है, आई की। तो हम इसके बारे में क्या सोचते हैं कि आई की वैल्यू या तो अल्फा गिवन हो तब निकाल सकते हो या डेल्टा टी एफ गिवन हो तब निकाल सकते हो। यहां तो हमें क्वेश्चन में ही डेल्टा टी एफ पूछा है, तो हमें आई की वैल्यू जो है ना अल्फा से निकालनी पड़ेगी। और अल्फा से अब हम कैसे निकालेंगे देखते हैं। जी बेटा जी, अल्फा इज इक्वल टू होता है विद इन द रूट के ए बाय एम। ये हमने अभी सीखा था इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, अब के की वैल्यू आपको पता है कितनी दे रखी है, 1.4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 डिवाइड बाय मोलैलिटी से आप इसको डिवाइड कर देना, जो भी यहां से आंसर आया वो यहां पुट कर देना, मोलैलिटी से डिवाइड करके अल्फा आ जाएगा। ठीक है, अब अल्फा आपको पता चल गया तो डिसोसिएशन का केस है, और डिसोसिएशन के केस में आई इज इक्वल टू होता 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा। एन की वैल्यू कितनी है, 2, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है तो दो आयंस में ब्रेक डाउन होगा, तो एन की वैल्यू रख दोगे 2, यानी 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा आ जाएगा। ठीक है, आप अल्फा यहां से निकाल के इसमें पुट करोगे, आई आ जाएगा। आपके पास तीनों चीज आ गई, आपके पास आई आ गया, आपके पास अल्फा आ गया, आपके पास के एफ की वैल्यू दे रखी थी, पुट कर देना और यहां से आपके पास डेल्टा टी एफ निकल आएगा। सबसे बड़ा इस पे क्वेश्चन ये होता है माइंड में जो क्रिएट होता है कि सर दोनों में ही कार्बोक्सिलिक एसिड थे, यहां भी थे बेंजोइक एसिड, यहां भी था ये कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आपने एक केस में तो हमें एसोसिएशन पढ़ा दिया, दूसरे में डिसोसिएशन पढ़ा दिया, ऐसा क्यों किया? तो सर इसको समझते हैं। देखो बच्चा जी, जहां पर बेंजीन दे रखा है यानी नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो वहां पर एसोसिएशन का केस लगेगा, जहां पर मेरे पास वाटर दे रखा है पोलर सॉल्वेंट है तो वहां पर डिसोसिएशन का केस लग जाए। इतने आसान क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और वो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए चलते हैं। तो बच्चों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, सबसे पहले ये नोट कर लेना, क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको दो असाइनमेंट दिए हैं। इन दो असाइनमेंट में क्या करोगे, असाइनमेंट वन से ये वाले क्वेश्चन करने हैं, असाइनमेंट टू से ये वाले क्वेश्चन करने हैं, और एनसीईआरटी से एक ये वाला न्यूमेरिकल करना है 2.41। इंपॉर्टेंट चीज है, आपको जरूर करना है। मैं आपको एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहा हूँ, दैट इज दिस क्वेश्चन नंबर 3। अपना न्यूमेरिकल है, बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल है। क्या कहता है, द मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट ऑफ बेंजीन, डिप्रेशन कॉन्स्टेंट मतलब कॉन्स्टेंट क्या होता है, केएफ। ठीक है, ये इसका आंसर है। केएफ की वैल्यू दे रखी है 4.9। अब कहता है सेलेनियम एग्जिस्ट एज अ पॉलीमर ऑफ द टाइप SeX। एक है सेलेनियम, वो इस टाइप से एग्जिस्ट करता है। मुझे नहीं पता ये एक्स जो है 1 है 2 है 3 है 4 है। इस एक्स को हम बोलते हैं एक्चुअल में एटॉमिसिटी। ठीक है, इसको एटॉमिसिटी बोल दिया मैंने। अब वो कहता है जिसका मोलर मास दे रखा है, यानी मोलर मास ऑफ दिस इज 78.8 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये एक एक सेलेनियम का है, सिर्फ एक सेलेनियम का, मुझे नहीं पता यहां कितने सेलेनियम है, तो ये टोटल का मोलर मास नहीं है, पहला तो ये पॉइंट क्लियर रखना है। व्हेन 3.26 ग्राम ऑफ सेलेनियम, यानी W2 आ गया आपके पास 3.26 ग्राम, ठीक है, ऑफ सेलेनियम इज डिसॉल्वड इन 226 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी W1 आ गया आपके पास 226 ग्राम, बट इसने M2 नहीं दे रखा। अब आप यहां पर एक पॉइंट में कंफ्यूज हो गए, सर यहां तो M2 है नहीं दे, सॉरी पूछा हुआ है, और यहां मोलर मास आप कह रहे हो दिया हुआ है, ये मोलर मास सिर्फ एक सेलेनियम का, मुझे नहीं पता कितने सेलेनियम है, तो हमने इतने एक्स सेलेनियम डाले हैं, मुझे नहीं पता वो एक्स कितने हैं, तो इसीलिए मैंने उसको M2 लिख दिया। आगे बात करते, इट लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाय दिस, यानी डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आ गया 0.112।
डिग्री सेल्सियस हो या केल्विन हो, हम इसको सेम ही लिखते हैं क्योंकि डिफरेंस है। अब देखो बच्चा जी, कहता है जब आपका जो सोल्यूट है वो स्पेसिफाई ना हो, मैंने बताया था नॉन स्पेसिफाइड सोल्यूट हो, तो उसके इसमें आई का वैल्यू आप 1 रख देते हो। यहां कैसे पता चलेगा नॉन स्पेसिफाइड है? सिंपल देख लो, यहां पर कह रखा है एसी एक्स, मतलब मुझे नहीं पता एक्स क्या है, यानी स्पेसिफाई नहीं है। तो इन दैट केस यू विल सी दैट डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे डेल्टा टी एफ का, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू टू इंटू 1000 अपॉन एम टू इंटू डब्ल्यू वन। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना और कुछ नहीं करना, ठीक है? यहां से क्या करोगे, एम टू की वैल्यू निकाल लोगे। कैसे निकालोगे? 226 ग्राम आ जाएगी। कैसे निकालोगे? डेल्टा टी एफ है, के एफ है, डब्ल्यू टू है, डब्ल्यू वन है, पुट करोगे, एम टू की वैल्यू निकालोगे। अभी जो मोलर मास आया वो कितने मॉलिक्यूल्स का है? ये आया एस सी एक्स का, जो मोलर मास आया वो 226 आया, यानी एक्स टाइम्स वन सॉरी मोलर मास ऑफ वन सेलेनियम एटम इज इक्वल टू आपके पास आया 226। भाई ऐसे ही तो निकालोगे इसका मोलर मास पूरे का, एक का मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो आपको एक्स की वैल्यू चाहिए, एटॉमिसिटी चाहिए। क्या करोगे? एक्स मल्टीप्लाई बाय 78.8 इज इक्वल टू 226। यहां से आप एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। तो यहां तक आपको आई एम श्योर क्लियर हो गया होगा चीजें। आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन लिंक से असाइनमेंट डाउनलोड करके और ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है? तब तक के लिए आप इस वीडियो को औरों तक भी पहुंचाएं, इस वीडियो को अच्छे से देखें, इससे पहले की वाली वीडियोस भी देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। चलिए बाय बाय।